दो। थैंक्स मैम। आप वो तो हम हैं और आप नहीं हो तो हम जीतेगी भाई जीतेगी। चौधरी जीतेगी भाई जीतेगी। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को नमस्कार करना चाहूँगी और अपने बरसोवा के जितने भी मेरे भाई बहन माता पिता समान सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस काम के लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से। विधानसभा से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, क्या क्या लगता है कितना कंपटीशन दे पाएंगे आप? और देखिए मेरे साथ में मेरी जनता मेरे साथ में है तो पक्का जीत होगी हमारी। जीतेगी भाई जीतेगी। महक चौधरी जीतेगी। इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जिस पर फोकस करने वाली है जो अंधेरी में होते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, पिछले 10 दिन में घूम के देखा है पूरा बरसोवा। मैं जीत के आऊँगी और सबसे पहले उन मुद्दों पे बात भी करूँगी और उन प्रॉब्लम को दूर भी करूँगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। और यंगस्टर्स के लिए क्या सोचा है आपने? बहुत सारा सोचा है, बस जीत एक बार उनका साथ मिल जाए और जीत हो जाए तो बहुत कुछ करने वाली हूँ सबके लिए। कुछ कहना चाहेंगे जनता से? कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी ये सही टाइम है आपको चुनने का कि आप किसको चुनना चाहते हैं, आप किसका साथ देना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग आए और गए बड़ी बड़ी पार्टियों से। बड़ी पार्टी मायने नहीं रखती है, इंसान मायने रखता है। आपके लिए क्या करने वाला है वो मायने रखता है। जो 5 साल आपके बीच में रहने वाला है वो मायने रखता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने दिल की सुनिए और सही इंसान को चुनिए। जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।